हेलो दोस्तों, बंदा हो या बंदी ये वीडियो दोनों के लिए है, तो एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, सिंगल बंदा हो या बंदी, खैर बंदी तो सिंगल हो ही नहीं सकती, लेकिन अगर बंदी सिंगल है या बंदा सिंगल है, ये दोनों कितना भी कुछ कह लें कि गर्लफ्रेंड होने से ये होता है, गर्लफ्रेंड होने से वो होता है, या बॉयफ्रेंड रखने से ये होता है या वो होता है, लेकिन जो इनका हाल दिल होता है ना, वो यही चाहता है कि इनकी लाइफ में भी कोई हो जिसके साथ ये टाइम स्पेंड कर सके, जिसके साथ ही अपनी लाइफ जी सके। दोस्तों, लड़की हो या लड़का या कोई भी व्यक्ति हो, इनको अपनी लाइफ में किसी न किसी का साथ चाहिए ही होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होने के 3 फायदों के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है या आपका बॉयफ्रेंड नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, और अगर आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है तो भी ये वीडियो देख सकते हो और उन बेनिफिट्स का डबल फायदा उठा सकते हो जो 3 फायदे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले फायदे की तरफ, जो है एक्साइटमेंट। दोस्तों, जब हमारी गर्लफ्रेंड होती है, हमारा बॉयफ्रेंड होता है, तो हमें एक अलग ही उत्साह रहता है, खासकर तब जब फरवरी का महीना आता है, और जब इस महीने में लव डेज आते हैं ना, 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से 7 डेज आते हैं, सॉरी ये टोटल 8 डेज होते हैं। पहला रोज डे, दूसरा प्रपोज डे, तीसरा चॉकलेट डे, चौथा टैडी डे, पांचवा प्रॉमिस डे, छठा हग डे, सातवा किस डे, और खासकर 8वां 14 तारीख को वैलेंटाइन डे। तो यार, लड़का हो या लड़की, दोनों के अंदर उत्साह रहता है, मतलब दोनों के अंदर एक जोश खरोशा रहता है। आज रोज डे है तो रोज देना है, परसों चॉकलेट डे है तो चॉकलेट देनी है, फिर परसों प्रॉमिस डे को प्रॉमिस करना है, फिर नरसों वैलेंटाइन डे को वो करना है। वो करने का मतलब भाई लड़की के साथ सारा दिन लाइव क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। आप क्या समझ रहे थे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, पहला फायदा तो ये होता है, आपको एक्साइटमेंट रहती है। भाई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है, यू हैव समथिंग। भाई ये अजमाया होगा आपने, जब आपके पास गर्लफ्रेंड होती है ना, तो आपके पास और भी लड़कियों के ऑफर आते हैं, और जब लाइफ में लड़कियां नहीं होती ना, तो और दूसरी लड़कियां भी घास डालने को तैयार नहीं होती। भाई अब आपने बड़े बुजुर्गों से सुना ही होगा कि पैसे के पास पैसा आता है। भाई ऐसा ही रिलेशनशिप में भी होता है, जब अकाउंट के अंदर पैसे होते हैं ना, तब बैलेंस बढ़ता रहता है, और जब अकाउंट खाली होता है ना, तो घंटा कोई नहीं पूछता। भाई इसका मतलब भाई ये, जब लड़कियां होती है ना, तो 4 लड़कियां और आती है, और जब लाइफ में लड़की ही नहीं होती तो कोई लड़की घास नहीं डालती। दोस्तों, अब तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है गर्लफ्रेंड होने का, वो है स्ट्रेस फ्री लाइफ। भाई अब आप सोच रहे होंगे, गर्लफ्रेंड होने से या बॉयफ्रेंड होने से तो उल्टा टेंशन होती है। भाई ये सब बातें वही चंद लड़के बोलते हैं जिनसे कभी कोई लड़की नहीं पटी होती। गर्लफ्रेंड होने से तो यार उल्टा बंदा स्ट्रेस फ्री लाइफ जीता है। जैसे लड़का कुछ अपनी बातें लड़की के साथ शेयर करता है, ऐसे ही लड़की अपनी कुछ बातें लड़के के साथ शेयर करती है। हालांकि अपने घर वालों से कोई बात शेयर करे ना करे, लेकिन आपस में जरूर करते हैं, और ये बातें आपस में शेयर करने से ना ऑटोमेटिकली माइंड रिलैक्स होता है यार। और जब आप लड़की के साथ या लड़के के साथ बातें शेयर करते हो ना, तो आप फुल फ्री माइंड होकर जीते हो, मतलब आपका दिल छोड़कर हर चीज दो जाती है, एक दिल दो जान। अगर आप लड़की हो तो आपके पास बॉयफ्रेंड होगा, और अगर आप लड़के हो तो आपके पास गर्लफ्रेंड होगी। तो भाई अगर आपके पास गर्लफ्रेंड है तो उसकी केयर करो, उसकी कद्र करो। जिनके पास गर्लफ्रेंड नहीं है ना, वो भाई तरस रहे हैं गर्लफ्रेंड बनाने को। बाहर से वो कितना भी कुछ दिखाएं, लेकिन अंदर से दिल उनका एक गर्लफ्रेंड ही चाहता है। तो दोस्तों, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो उसकी रिस्पेक्ट करो, केयर करो, उसकी कद्र करो। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी गर्लफ्रेंड है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि गर्लफ्रेंड होने के फायदे ही हैं। तो दोस्तों, ये 3 फायदे थे गर्लफ्रेंड होने के। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार वीडियो के लिए लाइक जरूर करना, और अगर आप इस तरह की वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो प्लीज यार प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों के साथ और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वीडियो जरूर शेयर करना, और अगर आप लड़की हो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, प्लीज शेयर करना। और अगर आपका कोई भी कैसा भी सवाल हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं।